और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल इलाकों से लगातार हत्या, आगजनी और लूटपाट की खबरें आ रही हैं। हिंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিতাই ভাইয়া বলেছে, বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না, আমরাও দেশের নাগরিক না, তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে। আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़, आगजनी और लूट, हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। धर्म गुरुओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाएं भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौद्ध और ईसाई आते हैं। तख्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय अब स्वदेश लौटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी दिखाई देगा। और बांग्लादेश के कई जिलों से इस वक्त डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि भीड़ लगातार हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजों को टारगेट कर रही है। आलम तो ये हो चुका है कि वैश्विक मंच पर इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठने लग गई है।
वहाँ पे जो हम लोग की भाई है हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता। लोक गायक राहुल आनंद के घर तोड़फोड़। दंगाइयों ने घर को किया आग के हवाले। सोचिए एक लोक गायक से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सोचिए एक लोक गायक पर किस बात का गुस्सा निकाला जा सकता है। लेकिन राहुल आनंद को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ढाका में मौजूद उसके घर में घुसे दंगाइयों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन बांग्लादेश में घटता भरी कहानी छोटा सा हिस्सा। देश में कुल 64 जिले हैं, 21 जिलों में 48 दंगाइयों के निशाने पर हैं। आज भारत के और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई। चुन चुन कर उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बेरहमी पर आवाज उठने लगी है। जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता। जानकारी के मुताबिक राजधानी ढाका में कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। साल भर हजारों लोगों का पेट भरने वाले इस्कॉन टेंपल को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करें कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। हम यही अपील करना चाहेंगे अन्य देशों की सरकारों से, कि भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से, कि ये जो बांग्लादेश में जो तांडव चल रहा है उसके लिए बहुत ही कदम उठाने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1.3 करोड़ हिंदूज रहते हैं और वो लोग काफी आतंकित हैं। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश इस कदर असुरक्षित हो चुका है कि वहां से उन्हें निकालने की कवायद शुरू की गई है। सुनिए बांग्लादेश से भारत आए एक ट्रक ड्राइवर ने वहां क्या देखा। हमारा गवर्नमेंट हम लोग को इंडिया में बुलाया है, इसीलिए हम लोग इंडिया है। गाड़ी हम लोग के बांग्लादेश अंदर में ही। अंदर में पूरा तोड़ फोड़ सब आग उग लगा रहा है सब तरफ। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, हमें अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सच यही है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं और इन बेकाबू हालात का सामना अल्पसंख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। घरों से लेकर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है।
खबर यह है कि कई हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले 2.5 करोड़ हिंदू असुरक्षित हैं और हिंदुओं पर हमला बढ़ता ही जा रहा है, तेज होता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। यही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। डरावने संख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है भाई, है हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। मिचिल लिए जावा समय उल्टो दिक থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাই চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিতাই ভাইয়া বলেছে বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। दो हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट पीट कर रुंद दी गई। डिस्कॉर गया। बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया, कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में, जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही।
देश में तख्ता पलट, साजिश को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेख हसीना को, लेकिन आगे का रास्ता अटका हुआ है या फिर अटका दिया गया है, सबसे वो है जमाते इस्लामी। पंथी संगठन जमाते इस्लामी ने ही बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन को हिंसा के मुहाने तक पहुंचाया। संख्या 5,000 से 1,00,000 तक पहुंच गई। यही नहीं, अपनी छात्र इकाई ने आए छात्रों पर नजर रखी। पिछले 10 साल में अपनी छात्र इकाई के विंग का ऐसा कैडर तैयार किया कि सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ खड़ा। माना जाता है कि बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने में जमाते विंग के आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे, जहां छात्रों को भड़काने का आरोप जमात की छात्र इकाई पर लगा। वही नहीं लगा, बांग्लादेश में हिंसा, वो न सिर्फ भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहा बल्कि शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शन से लड़ा रहा। जमात और वहां की विपक्षी पार्टी बांग्लादेशी नेशनल पार्टी को हुआ